तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको लॉग्स का इंट्रोडक्शन पार्ट बताने वाला हूँ, जो कि हमारा ICSE क्लास 9th का 8th चैप्टर है लॉग्स। तो इसका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स इसका एक्सरसाइज कराने से पहले मैं थोड़ा कुछ बेसिक्स बता दूँ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में। देखिए बच्चों, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हमको पता है, 3 × 3 9। पर इसको लॉग्स में कैसा लिखा जाए, देखो ये जो 3 होता है ये मैं एज इट इज यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे कि लॉग ये 3 है ना, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये जो 9 होता है ना, जो इक्वल्स टू 9 आया, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, और ये जो पावर है पावर इधर आ जाती है। तो देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखें, ये जो पावर होती है, अब ध्यान से देखना है, ये बेस, ये पावर, ये हमारा रिजल्ट आया। जो अगर मैं इसको लॉग में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, लॉग लिख दूंगा, लॉग के साथ जो बेस होता है वो तो नीचे बेस में ही आता है, बेस, जो रिजल्ट होता है वो यहां आ जाता है, और जो पावर होती है ना वो इक्वल्स टू के इधर आ जाती है, मतलब पावर उधर आ जाएगी, बेस और रिजल्ट ऊपर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 5 की पावर 4 होता है हमारा 625। अब ध्यान से देखिए, 5 की पावर 4 होती है 625, तो अगर मैं इसको लॉग्स में लिखूं तो लॉग्स में कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं लिखूंगा लॉग, देखो ये बेस था, बेस में सीधे नीचे लिख दूंगा, फिर पावर, पावर कितनी है 4 है, तो पावर मैं इधर लिख दूंगा 4, और जो रिजल्ट है मैं इसको ऊपर लिख दूंगा 625। तो मैं इसको लॉग की लॉग में ऐसे लिखूंगा। अब जैसे इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं बच्चों, जो कि मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा अभी। अब जैसे है 7 की पावर 0 इक्वल्स टू होता है 1, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है बच्चों। अब मैं इसको लॉग्स में कैसे लिखूंगा, तो ध्यान से देखिए, मैं इसको लिखूंगा लॉग, बेस सेम, बेस यहाँ पर 7, तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा, पावर क्या है, ओ सॉरी, रिजल्ट क्या है मेरा 1 है, तो मैं 1 यहाँ लिख दूंगा, और पावर क्या है 0, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो मैं लॉग की टर्म में इसको ऐसा लिखूंगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ 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 आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी है हमेशा, तो मैं उसको अब बताता हूँ आपको। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी जरूरी है। जैसे कि मैं बुक निकालता हूँ और बुक से आपको दिखाता हूँ, तो ध्यान से देखिए, तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ध्यान से देखिए। अभी मैं आपको बुक से दिखा रहा हूँ, ये लॉग्स की ICSE की क्लास 9th की बुक है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, ये दो आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आपको आपको ब्रीफ हो जाएगा। तो ये है पहला आइडेंटिटी है बच्चों, देखो लॉग a की पावर 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है लॉग a की पावर a इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए, तो लॉग a की पावर 1 इक्वल्स टू 0 होता है, आपको याद रखना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ करके। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं लिख दूँ a की जगह, अगर मैं 2 लिखता हूँ, लेट सपोज मैं a की जगह 2 लिख रहा हूँ, अब यहां पर मैं इसको लिखता हूं लॉग 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने ए की जगह क्या रखा, 2 रखा, तो इसको देखो मैं खोल रहा हूं, तो लॉग ए की जगह मैं अगर 2 रखता हूं, तो लॉग 2 इक्वल्स 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं, ये तो लॉग की फॉर्म में, अब मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूं, तो सिंपल फॉर्म में आपको बताया था मैंने, देखो सिंपल फॉर्म कैसा लिखा जाता है, सिंपल होता है, बेस की पावर होता है और फिर रिजल्ट आता है। तो पहले मैं बेस की पावर लिख दूं, देखो ये लॉग है, तो लॉग है, ध्यान से देखो, ये होता है लॉग 2 1 ओवर 1 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 0, ये जो होगा ये मेरी पावर होगी, ये मेरा बेस होगा, और ये मेरे कुछ रिजल्ट आया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं सिंपल फॉर्म में करता हूं, तो क्या होता है, बेस की पावर
ये होता है बेस की पावर होता है और फिर रिजल्ट आता है। अब इसको देखो ध्यान से, तो क्या होगा, बेस तो मेरा 2 ही है, पावर क्या है 0 और रिजल्ट क्या है 1। तो ध्यान से देखो, किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है 1 हो जाता है। तो सीधे याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको पता है। तो सीधे क्या होता है, लॉग ए की पावर 1 क्या होता है 0 होता है। किसी की भी पावर 1, अगर लॉग किसी की भी पावर हो तो सीधे सीधे क्या होगा, अगर लॉग में आ रखा होगा कि लॉग ए की पावर 1, ऐसे करके होगा, लॉग नीचे बेस में ए होगा और ऊपर 1 होगा, तो सीधे सीधे 0 हो जाता है वो। जैसे कि आप लॉग ए की पावर 1 को सिंपल फॉर्म में करोगे तो आपको ये मिलेगा, ध्यान से देखो। अब एक और है आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होने वाली है। जैसे कि अगर लॉग 10 की पावर, बेस 10 है पावर भी 10 है, ये तो लॉग में था तो ये 1 हो जाता है। अब इसको अगर मैं वैसे फॉर्म में चेंज करूँ, सिंपल फॉर्म में चेंज करूँ, तो ध्यान से देखो, लॉग 10 ये क्या होता है, पावर होता है लॉग में, तो ये इधर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 10। ऑब्वियस सी बात है, मतलब लॉग 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 1। तो आप कोई भी पावर हो लॉग की, लॉग 5 की पावर 5 इक्वल्स टू 1, लॉग 8 की पावर 8 इक्वल्स टू 1, तो आप ए लॉग ए की ए कुछ भी हो ना वो 1 ही होता है। तो लॉग 5 की 5 1 हो जाएगा, लॉग 8 की 8 1 हो जाएगा। तो ऐसे कर आपको लॉग एरिथम्स बहुत आराम से करने, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए अभी क्लियर। चलो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, कैसे करना है इसको अटेम्प्ट। तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखो ध्यान से। अगर मैं कराता हूँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 कितना, 2 2 4 4 8। अब अगर मैं इसको लॉग की टर्म में लिखूं, तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसको लॉग की टर्म में लिखता हूं, तो देखो ये तो था मेरा बेस, तो लॉग लिख दूंगा, बेस लिखता हूं पहले 2, ये जो रिजल्ट आया मैं 8 ऊपर लिख दूंगा, और जो पावर है वो इधर फेंक दूंगा, तो कितना हो जाएगा लॉग, ये लॉग की टर्म में आ गया। ये एक ऐसी क्वेश्चन। अब एक और कोई सिली सा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा कोई प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। लेट सपोज 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 होता है 25। अब अगर मैं इसको लॉग की टर्म में लिखूं, तो ध्यान से देखो, पहले मैं लिखूंगा लॉग, फिर ये बेस तो एज इट यहाँ आ जाता है, जो इसका रिजल्ट आता है इसके ऊपर आता है, और पावर कहाँ आ जाती है इधर आ जाती है, तो ये हो जाएगी 2। तो ये लॉग की टर्म में आ गया बच्चों। तो काफ़ी ईजी है ये इंट्रोडक्शन पार्ट, मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। सो हम अब एक्सरसाइज करते हैं, 8.1 में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो थैंक यू सो मच।